हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज अजीज खान फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट वाटर, सब्जेक्ट जीके, चैप्टर 15 एंड क्लास फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग आराम से होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सब्जेक्ट जी के, टॉपिक है वाटर। तो आइए हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट, टिक द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम इस आंसर को टिक करते हैं। टिक मीन्स होता है ऐसा गुड का मार के, एक टिक। तो आइए हम ऑप्शन को टिक करते हैं, जो ऑप्शन सही है उस पर हम टिक करेंगे। पहला है, We should store clean water in dash। आपके पास डियर स्टूडेंट्स चार ऑप्शंस हैं, अ पॉट विथ नो लिड, बी क्लीन पॉट विद अ लिड, सी डर्टी पॉट, डी ओपन ड्रम्स। तो आइए देखते हैं, वी शुड स्टोर क्लीन वाटर इन, मेरे प्यारे बच्चों वो ऐसा कौन सा चीज होता है जिसमें हम अपने पानी को स्टोर करके रखते हैं। तो ऑप्शन ए है, पॉट विद नो लिड, एक कोई भी बर्तन हो लेकिन उस पर ढक्कन या कवर ना लगा हो। उसके बाद बी है, अ क्लीन पॉट विद अ लिड, एक साफ सुथरा बर्तन जिसके ऊपर ढक्कन भी लगे हो, कवर भी हो, जिससे पानी गंदा ना हो। और सी है, अ डर्टी पॉट या फिर एक गंदा बर्तन, या डी ओपन ड्रम्स या एक खुला हुआ ड्रम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि जो आंसर सही है वो है आपका बी। यहाँ देख सकते हैं बी पर टिक है, तो अ क्लीन पॉट विद अ लिड, एक साफ सुथरा बर्तन जिसपे ऊपर से ढक्कन लगा हो जिससे पानी गंदा ना हो। तो यहाँ बी में आप टिक लगाइए, अ क्लीन पॉट विद अ लिड, लिड मीन्स होता है ढक्कन। इसके बाद दूसरा है, आ डैश नीड्स वाटर टू ग्रो, वो कौन सी ऐसी चीज होती है मेरे प्यारे बच्चों जिसको पानी की आवश्यकता होती है, जब उसको पानी मिलता है तो बढ़ने लगता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ए है प्लांट, बी पेपर, सी डॉल। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें होगा प्लांट, यानी यहां प्लांट पे आप टिक लगाइए, क्योंकि प्लांट को हमेशा जो है पानी की आवश्यकता होती है। जब उस प्लांट पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है तो पेड़ पौधे तीव्र गति से वो बढ़ते हैं, और पानी अगर हम पेड़ पौधों को ना दें तो वो सूख जाता है और मर जाता है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट, टू के जो टू का आपका ऑप्शन है, इसमें ए को यानी प्लांट, प्लांट पे आप टिक लगाइए। इसके बाद थ्री है, डैश वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। आइए हम देखते हैं, जो पानी होता है वो पीने के लिए पानी, वो पानी नहीं होता है। आइए देखते हैं वो ऑप्शन, आपके पास चार ऑप्शंस है, चार ऑप्शंस में से हम देखते हैं। पहला है, वेल, वेल मीन्स होता है डियर स्टूडेंट कुआं, बी सी, सी मीन्स होता है समुद्र। उसके बाद सी है हैंडपम्प, हैंडपम्प मीन्स होता है नल। उसके बाद डी है फिल्टर, जो पानी को फिल्टर करता है उसको फिल्टर कहा जाता है, साफ जो जो साफ करता है पानी को उसको फिल्टर कहा जाता है। तो यहां पर होगा कि सी, जो समुद्र होता है वो समुद्र, जो समुद्र का पानी होता है उसको हम लोग नहीं पीते हैं डियर स्टूडेंट, अगर पी लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। और हम जो है कुएं का पानी पीते हैं, हैंडपम्प यानी नल का पानी पीते हैं, और फिल्टर किया हुआ हम पानी पीते हैं। तो यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स कि सी वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है उसको हम नहीं पीते हैं। तो यहाँ आप डियर स्टूडेंट थ्री के बी पर आपका होगा सी,
यहां देख सकते हैं सी का, थ्री का बी सी, सी मीन्स होता है समुद्र, तो सी पर आप यानी जो थ्री का बी है सी यानी समुद्र, उस पर आप टिक लगाइए। इसके बाद नंबर फोर है, व्हाइल ब्रशिंग आवर टीथ वी शुड डैश, जब हम ब्रश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब आप ब्रश करते हो तो उसके बाद जब हम अपने दांतों को ब्रश करते हैं तो वी शुड, क्या हमें नल को, वी शुड, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कीप द टैप रनिंग ऑल द टाइम, या बी कीप द टैप रनिंग फॉर सम टाइम, सी यूज द टैप ओनली व्हेन नीडेड, डी नेवर यूज द टैप। डियर स्टूडेंट्स, व्हाइल ब्रशिंग आवर टीथ वी शुड, जब हम अपने दांतों को ब्रश कर रहे होते हैं तो ऑप्शन है कीप द टैप रनिंग ऑल द टाइम, क्या हम जो टैप होता है उसको खोल देते हैं जिससे पानी गिरता रहता है, या बी है कीप द टैप रनिंग फॉर सम टाइम, या कुछ टाइम के लिए जो है नल को हम खोल देते हैं, या सी है यूज द टैप ओनली व्हेन नीडेड, या फिर सी है आपका कि जब हमें पानी की आवश्यकता होती है तभी हम नल को खोलते हैं, या डी है नेवर यूज द टैप, या हमें कभी भी नल को यूज नहीं करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर होगा सी, सी। यहां सी पर आप देख सकते हैं फोर्थ का होगा सी, यूज द टैप ओनली व्हेन नीडेड। तो यहां पर आएगा यूज द टैप ओनली व्हेन नीडेड, जब हमें पानी की आवश्यकता हो तभी हमें नल को यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर आपने देखा सी होगा। इसके बाद है डियर स्टूडेंट फाइव, वी यूज वाटर टू डैश, आइए हम, हमें पानी को प्रयोग करना चाहिए, आइए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, ए स्वीप द फ्लोर, फ्लोर को साफ सफाई के लिए, या मेक अ पेपर बोट, या एक पेपर बोट बनाने के लिए जो नाव होता है जो बच्चे बनाते हैं पेपर बोट उसको बनाने के लिए, या सी वॉश अटेंसिल जो बर्तन होते हैं उसको साफ करने के लिए, या फिर डी प्ले इन द पार्क, या हमें पार्क में खेलना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है डियर स्टूडेंट वी यूज वाटर टू वॉश यूटेंसिल्स, ये जो आपका दिया हुआ है यानी हम पानी को प्रयोग करते हैं बर्तन भी धोने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर फाइव का आपका सी होगा वॉश यूटेंसिल्स, इस पर आप टिक लगाइए, फाइव का सी, यहां देख सकते हैं टिक लगा हुआ है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद है नंबर सिक्स, डैश मेल्ट एंड बिकम वाटर, वो कौन सी ऐसी चीज होती है मेरे प्यारे बच्चों जो पिघल कर पानी हो जाता है, पानी बन जाता है, तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। ए है आइस बर्फ, बी एक अंडा, सी एयर यानी हवा, और डी फायर यानी आग। तो वो कौन सी चीज होती है जिससे पिघल कर जो है पानी बनता है, तो डियर स्टूडेंट वो है आइस, आइस यानी बर्फ होता है, बर्फ जो है पिघल कर पानी ही बनता है। तो आप सिक्स के ए में आइस को टिक करिए। तो ये वाटर कंप्लीट हुआ डियर स्टूडेंट। इसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं, आई एम टर्निंग द पेज 16, द स्काई, आइए हम आसमान, स्काई मीन्स होता है आसमान, आसमान के बारे में जो कुछ उसमें होते हैं आइए हम उसके बारे में देखते हैं। आइए पहला है हु एम आई, एक क्वेश्चन है कि मैं कौन हूं, हु मीन्स होता है कौन, आई मीन्स हूं, आई मीन्स मैं, यहां पर इसके बाद देख रहे हैं आप डियर स्टूडेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन का मार्क है जिससे इसका मतलब होता है कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हो, तो हु एम आई, मैं कौन हूं, आइए देखते हैं। सभी लोग अपने बुक्स में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला है आई एम अ बिग, यहां देख रहे हैं आई एम अ बिग राउंड बॉल ऑफ फायर, आई शाइन ड्यूरिंग द डे, आई एम द, देखिए मैं बहुत बड़ा हूं, मैं गोल हूं, और मैं आग भी हूं कह सकते हो, या मेरे अंदर से आगे निकलती है,
आई शाइन ड्यूरिंग द डे, मैं दिनों में चमकता हूँ, आई एम द, मेरा क्या नाम है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देखिए, आप यहाँ पर ये स्क्रीन में देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपका होगा सन, क्योंकि जो सन होता है वो दिन में चमकता है और ये वो एक गोलाकार के जैसा होता है, सूरज जो होता है डियर स्टूडेंट, और उससे गर्मी निकलती है, उसके अंदर से आग निकलते हैं, तो उसका नाम है सन यानी सूरज। यहाँ आप देख सकते हैं सूरज। नंबर टू है, तो है आई ट्विंकल एट नाइट एंड लुक लाइक अ टिनी डायमंड इन द स्काई, आई एम। देखिए स्टूडेंट, दूसरा है वो कहता है कि आई ट्विंकल एट नाइट, मैं रातों में ट्विंकल करता हूं यानी चमकता हूं, एंड लुक लाइक अ टिनी डायमंड, और एक छोटे छोटे हीरो के जैसा चमकता हूं, डायमंड्स का मतलब होता है हीरा जैसा चमकता हूं, इन द स्काई आसमानों में, आई एम, मेरा क्या नाम है। तो आइए देखते हैं, आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं, ये है आपका स्टार, तो यहाँ पे आपका होगा स्टार, आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर दो में आप फिलअप कीजिए डियर स्टूडेंट, स्टार, एस टी ए आर, स्टार। इसके बाद थर्ड है आई कम आउट एट नाइट एंड यू सी मी इन डिफरेंट शेप्स, आई एम द। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, आप अपने बुक्स में देखिए, यहाँ पर ये बना हुआ है, इसको क्या कहा जाता है, आइए हम देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर, और ये देखते हैं, आई कम आउट एट नाइट, मैं रातों में बाहर आता हूँ, बाहर का क्या मतलब है, आसमानों में आता हूँ, एंड यू सी मी इन डिफरेंट शेप्स, और आप जो है हमें अलग अलग शेप्स में, अलग अलग भाग में देखते हैं, अलग अलग शेप्स में देखते हैं, और आई एम, और मैं क्या हूँ। तो ये है आपका मून, क्योंकि मून जब शुरुआत में जब वो निकलता है, आसमानों में आता है, तो ऐसा चांद के जैसा होता है, इसके बाद जैसे आगे कुछ दिन बीतते हैं, तो उसके बाद वो एक गोलाकार जैसा हो जाता है, तो ये डिफरेंट शेप्स होता है चांद के। तो थ्री में होगा आपका मून डियर स्टूडेंट्स, मून, एम डबल ओ एन, मून, यहाँ आप देख सकते हैं मून। अब इसके बाद चौथा है यू समटाइम्स सी मी आफ्टर इट रेन्स, आई एम मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स, आई एम, मैं क्या हूं। देखिए मतलब ये कह रहा है, ये स्क्रीन में देखो, यही है, आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स, ये है You sometimes see me, आप मुझे कभी कभी देखते हो, after it rains, जब बारिश होती है, आप मुझे कब देखते हो डियर स्टूडेंट, जब बारिश होती है तभी आप मुझे देखते हो, I am made of different colors, मैं अलग अलग कलर से बना हुआ हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो ये है रेनबो, यहाँ पर आपका फिलअप होगा डियर स्टूडेंट्स, R A I N B O W, रेनबो। तो यहाँ पे क्योंकि रेनबो के बहुत सारे कलर्स होते हैं, और ये जब बारिश होता है तभी दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं, तो जो है इसको रेनबो कहा जाता है। तो मैं कभी कभी जब बारिश होती है तभी आपको मैं दिखाई पड़ता हूँ, और मैं अलग अलग कलर से बना हूँ, मैं हूँ रेनबो, या मैं रेनबो हूँ। इसके बाद नंबर फाइव है आई हैव मेनी शेप्स, समटाइम्स आई लुक लाइक अ वाइट फ्लफी पीस ऑफ कॉटन, व्हेन आई एम डार्क आई होल्ड रेन वाटर, आई एम आ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक क्लाउड है, तो यहाँ पे होगा आई हैव एनी शेप, मेनी शेप्स, अब मेरे पास कह रहा है कि बहुत सारे शेप्स हैं, मेरे पास बहुत सारे आकार हैं, कभी कभी मैं कभी कभी सफेद फ्लफी के जो कॉटन होता है, जो पीस ऑफ कॉटन होता है यानी कॉटन का जो टुकड़ा होता है सफेद कलर का, तो मैं वैसे ही दिखता हूँ, और जब मैं अंधकार होता हूँ, जब मैं डार्क होता हूँ, तो आई होल्ड रेन वाटर, फिर मैं क्या करता हूँ, बारिश करता हूँ, जब अंधेरा मैं कर देता हूं तो मैं बारिश करता हूं, बताओ मैं कौन हूं, तो मैं बादल हूं।
तो आई एम अ क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। मैं क्या हूं बच्चों? मैं बादल हूं। इसके बाद है नंबर सिक्स, यहां देख सकते हैं आप बादल है, पानी बरस रहा है। इसके बाद सिक्स है, आई एम अ ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट, आई फ्लाई इन टू द आउटर स्पेस। आई एम अ, मैं क्या हूं? यहां पर देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए अपने बुक्स में, आपको दिखाई देगा, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे है कि मुझे इंसानों ने बनाया है, मैं एक इंसानों द्वारा बनाया हूँ, एक ऑब्जेक्ट हूँ, और मैं आउटर स्पेस में फ्लाई करता हूँ, यानी आसमानों से ऊपर जाकर फ्लाई करता हूँ। उसके बाद बताओ मैं कौन हूँ? तो डियर स्टूडेंट, आई एम अ रॉकेट, मैं रॉकेट हूँ। यहाँ देखिए आप, रॉकेट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। पहले में आएगा आपका सन, SUN, सन। दूसरे में आपका आएगा स्टार, STAR, स्टार। और तीसरे में आपका होगा मून, MOON, मून। और चौथे में होगा रेनबो, RAINBOW, रेनबो। और पांचवे में होगा आपका क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। और उसके बाद नंबर सिक्स में आपका आएगा रॉकेट। और यहाँ पर आपके कुछ क्लू दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें डे स्टूडेंट्स। ये आप देखे होंगे। आइए उसके बाद हम, आई एम टर्निंग द पेज, आई एम टर्निंग पेज, पेज नंबर 23 है, चैप्टर नंबर 17, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को जानते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग बींग्स क्या होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए पहले इसके ऊपर एक छोटा सा क्लिप देखते हैं, फिर हम आइए एक वीडियो का छोटा सा क्लिप देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग, आज हम लोग पढ़ेंगे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं लिविंग थिंग किसे कहते हैं। लिविंग थिंग वैसी चीजें को कहते हैं, वैसी चीजों को जो खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं और ग्रो करते हैं, मीन्स बढ़ते हैं। देखिए जैसे इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, है ना। तो हम लोग क्या है, हम लोग या आप लोग, हम लोग लिविंग थिंग में आते हैं, क्योंकि हम लोग भोजन करते हैं ना, खाना खाते हैं ना, हम लोग पानी पीते हैं, सांस लेते हैं और हम लोग बढ़ते भी हैं। आप लोग क्या थे? आप लोग पहले छोटे थे, फिर आप लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं ना, तो आप लोग लिविंग थिंग है। उसमें देखिए फिर यहाँ पिक्चर में बना हुआ है एलिफेंट, हॉर्स, स्नेक, ये सब क्या है? ये सारा लिविंग थिंग है। ये सब जितने भी एनिमल्स हैं, सारा क्या है, लोग सारा एनिमल्स खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, है ना, पानी पीते हैं और बड़े भी होते हैं। उसके बाद देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं ट्री में। ट्री मीन्स पेड़। तो ट्री भी क्या है? ट्री भी लिविंग थिंग है। ऐसे आपको लगता होगा ट्री खाना नहीं खाता है, ऐसा नहीं है। हम लोग किसी भी प्लांट मीन्स पौधा, किसी भी पौधे को अगर हम लोग लगाते हैं तो उसमें हम लोग पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तभी वो बड़ा होकर के एक पेड़ बनता है, ट्री बनता है। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं नॉन लिविंग थिंग, कि नॉन लिविंग थिंग किसे कहते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग वैसी चीजें जो खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, सांस नहीं लेते हैं और ग्रो नहीं करते, मींस बढ़ते नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में बना हुआ, सबसे पहले बना हुआ है रॉक। रॉक मींस होता है चट्टान। उसके बाद देखिए टेबल, उसके बाद है सॉक्स। तो क्या है, टेबल जो है, टेबल को क्या हम लोग खाना खिलाते हैं? नहीं, पानी पिलाते हैं, ऐसा नहीं। टेबल को हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं और टेबल का हाइट भी नहीं बढ़ता है, तो वो क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डॉल। डॉल भी उसी तरह से है, डॉल को भी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, उसका हाइट भी नहीं बढ़ता है डॉल का, तो वो भी है नॉन लिविंग थिंग।
इसी तरह यहाँ पे जितना एग्जाम्पल दिया गया है वो सारा इधर नॉन लिविंग थिंग का है और ये साइड में लिविंग थिंग का है। लिविंग थिंग मीन्स होता है जिसमें जीवन होता है, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग होता है जिसमें जीवन नहीं होता है। क्लियर है ना? डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी एक छोटा सा क्लिप देखा है, एक छोटी सी छोटा सा जो है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आपने देखा है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। आप आई थिंक समझ गए होंगे, लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जो जिन्हें सांस लेने की आवश्यकता होती है और भोजन की आवश्यकता होती है और हवा की आवश्यकता होती है, उसे लिविंग थिंग्स कहा जाता है। लिविंग थिंग्स में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं स्नेक है, स्नेक को हवा की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, बढ़ने की आवश्यकता होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लिविंग थिंग्स है। अब यहाँ पे आप एक कुर्सी देख रहे हैं, कुर्सी क्या लिविंग थिंग्स है? तो कुर्सी जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि कुर्सी को पानी की आवश्यकता नहीं होती है, कुर्सी को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, कुर्सी को बढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। और मेन थिंग्स ये है कि इसको इंसानों द्वारा बनाया गया है। कुर्सी को कौन बनाता है डियर स्टूडेंट? तो चेयर को एक इंसान बनाता है। तो आइए हम देखते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आइए हम राइट एल बिलो द पिक्चर ऑफ अ लिविंग थिंग्स एंड नॉन एंड एन बिलो द पिक्चर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, लिविंग का मीनिंग होता है सजीव और नॉन लिविंग का निर्जीव। मतलब सजीव का मतलब वो होता है, जैसे आपको अभी एक एग्जांपल बताया कि एक स्नेक, आप ये देख रहे हैं स्नेक को हमेशा भोजन की आवश्यकता होती है, बढ़ने की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है। तो ये जो है लिविंग थिंग्स है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, निर्जीव जो चीज़ें होती है, उसको पानी की, भोजन की, हवा लेने की आवश्यकता नहीं होती है, और उसको इंसान बनाया होता है। यानी इंसानों के द्वारा जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कुर्सियां हो गई, बसें हो गई, बुक्स हो गए, ये सब इनको बढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको इंसानों ने बनाया है। तो ये है नॉन लिविंग थिंग्स। तो आइए हम आप देखते हैं, आई थिंक मेरे प्यारे बच्चों आप सभी समझ गए होंगे। आइए डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम। राइट एल बिलो द पिक्चर ऑफ अ लिविंग थिंग्स एंड एन बिलो द पिक्चर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जो मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, जो लिविंग थिंग्स हैं उनके ऊपर हमें एल लिखना है। एल एल यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट एल लिखा हुआ है। तो जो लिविंग थिंग्स हैं उसके ऊपर एल लिखना है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके ऊपर हमें क्या लिखना है, वहाँ पर स्पेस में एन। यहाँ पर देखिए रेड में एन लिखा हुआ है, एन। तो लिविंग में, लिविंग थिंग्स में एल, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उस पर एन लिखना है। तो आइए देखते हैं, आप देखिए, आप पहला है इसने। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये एक स्नेक आप देख रहे हैं। स्नेक क्या है, लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है? स्नेक को क्या पानी की आवश्यकता होती है, क्या हवा की आवश्यकता होती है, क्या भोजन की आवश्यकता होती है, क्या स्नेक बढ़ता भी है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो यस, स्नेक को हवा की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, बढ़ने की आवश्यकता होती है, सांस लेने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका एल होगा, यहां पर देखिए एल लिखा हो, एल। इसके बाद है चेयर। प्यारे बच्चों, जो चेयर होता है, यहां पर आप एन एन टाइप कीजिए, एन लिखिए, क्योंकि यहां पर एन लिखा हुआ है। चेयर जो होती है निर्जीव चीज होती है, जिसको पानी, भोजन, सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसको इंसानों ने बनाया है। यानी इंसानों के द्वारा कुर्सियां, बसें, बुक्स, जितनी भी चीजें हैं, इसको इंसानों ने बनाया है। तो यहां पर आप एल लिखिए। इसके बाद है बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई डियर स्टूडेंट, जो बटरफ्लाई होती है, जो तितलियां होती हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है, उनको सांस लेने की आवश्यकता होती है, उनको बढ़ने की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आप एल लिखिए, एल एल। इसके बाद है फोर। आप देख रहे हैं ट्री है, प्लांट है, यानी पेड़ पौधे हैं,
और पेड़ पौधों को आवश्यकता क्या, पेड़ पौधे को हवा और पानी की आवश्यकता होती है डियर स्टूडेंट, क्या उनको बढ़ने की आवश्यकता होती है? तो यस, उन पेड़ पौधों को बढ़ने की आवश्यकता होती है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उनको पानी की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आप एल लिखिए, एल। इसके बाद है एन, सॉरी बस। आप एक बस को देख रहे हैं, बस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो बस जो है एक निर्जीव चीज है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी इसको इंसानों ने बनाया है और इसे भोजन की आवश्यकता या सांस लेने की या हवा की आवश्यकता नहीं होती है, इसे बढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसको इंसानों ने बनाया है। तो यहां पर आप एन लिखिए, एन। इसके बाद है सिक्स में एक कुछ बुक्स हैं, बुक्स क्या है बच्चों? तो बुक्स जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहां पर आप एन लिखिए क्योंकि इसको भी इंसानों ने बनाया है, इसको पानी की, भोजन की, बढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहां पर आप एन टाइप कीजिए। अब इसके बाद है एक स्पून, आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक चम्मच है। उस चम्मच जो है, चम्मच को किसने बनाया? तो चम्मच को इंसानों ने बनाया है। चम्मच को क्या पानी की पीने की जरूरत होती है बच्चों? तो चम्मच को पानी की पीने की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहां पर आप एन टाइप कीजिए, एन लिखिए, एन। अब इसके बाद है बॉटल, एक पानी का बॉटल आप देख रहे हैं जिसके अंदर पानी रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, बॉटल क्या है? तो बॉटल जो है निर्जीव चीजें हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स हैं क्योंकि इसको भी इंसानों ने बनाया है। यहां पर आप एन टाइप कीजिए। नाउ आई एम टर्निंग द पेज। अब यहां पर देखिए आप, है एक काऊ दिख रहा है आपको, तो जो एक जानवर होता है, जो एक एनिमल होता है, उसको भोजन की आवश्यकता होती है, उसको खाने पीने की जरूरतें होती है, उसको सांस लेने की जरूरत होती है, उसको बढ़ने की जरूरत होती है। तो यहां पर आपका होगा ये लिविंग थिंग्स है, यहां पर आप एल लिखिए। एल मीन्स होता है लिविंग थिंग्स, और एन का एन मीन्स होता है नॉन लिविंग थिंग्स। और अब देखिए एक छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा आपके सामने, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए बच्चा क्या है, एक ये जो बालक है, छोटा सा लड़का है, वो क्या है? वो लिविंग थिंग्स है, यानी इस बच्चे को खाने की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, पानी पीने की आवश्यकता होती है। और आगे, अभी ये बच्चा है, आगे चलकर एक इंसान बनेगा, बड़ा होगा, ग्रो होगा, तो ये लिविंग थिंग्स है। यहां पर आप एल लिखिए। अब इसके बाद है, आप देख रहे हैं कुछ काइट है, एक पतंग है, काइट है। तो काइट क्या है डियर स्टूडेंट? काइट जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन मीन्स एन, यहां पर टाइप कीजिए आप एन क्योंकि इसको इंसानों ने बनाया है, नॉन लिविंग थिंग्स है। इसके बाद है बर्ड है, एक चिड़िया है डियर स्टूडेंट। चिड़िया क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या चिड़िया खाती है? तो यस, चिड़िया खाती है। चिड़िए को पानी की आवश्यकता भी होती है, पानी भी पीती है, हवा की भी आवश्यकता होती है। तो यहां पर ये होगा आपका लिविंग थिंग्स। अब इसके बाद है एक, आप देख रहे हैं कुछ चेयर से एक आइटम है, कुछ पियानो या समथिंग कुछ बजाने वाला है। तो यहां पर आपका होगा ये जो है, इसको इंसानों ने बनाया है, इसको क्या भोजन की आवश्यकता है? इसको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, सांस लेने की जरूरत नहीं होती है, तो यहां पर आप एन टाइप कीजिए, यानी नॉन लिविंग थिंग्स। इसके बाद है एक स्टार, आप देख रहे हैं 14 नंबर में, तो ये जो कुछ ऐसी नेचर चीजें होती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, सॉरी, ये जो आप मून देख रहे हैं, ये मून है, सॉरी स्टार नहीं है, मून है। जो आप मून देख रहे हैं वो मून क्या है? तो मून जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको भी पानी या सांस लेने की, ये किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स है। इसके बाद आपका देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, एक आउल है, एक उल्लू है। तो उल्लू को क्या भोजन की आवश्यकता होती है बच्चों? तो उल्लू को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, एक एक एनिमल को, एक परिंदे को, एक चिड़िया को भोजन की आवश्यकता होती है, उसको सांस लेने की आवश्यकता होती है, उसको बढ़ने की आवश्यकता होती है। तो ये जो आप आउल देख रहे हैं, उल्लू, ये
डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका लिविंग थिंग्स यानी सजीव चीजें हैं। इसके बाद है, आप यहाँ देख रहे हैं एक रोज है, गुलाब का फूल है। तो गुलाब के फूल को क्या पौधों गुलाब के पौधे को पानी की आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स? तो यस, अगर हम गुलाब के पौधों में या पौधों में अगर पानी ना दे तो सूख जाता है, मर जाता है। तो इस पौधे को यानी गुलाब के पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे इस। और अब हमारा इसके बाद अगला चैप्टर शुरू होगा। अब इसके साथ में हम फिर समाप्त करेंगे इस चैप्टर को। और समाप्त करने से पहले हम ये चाहते हैं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को खूब लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।